पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद ग्वालियर शहर में नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके के तारागंज क्षेत्र का है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग अपने घर से गायब हुई है। छात्रों के गायब होने पर उसके परिजनों ने मामले की जानकारी जनकगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग छात्रा की तलाश शुरू करते हुए अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एडिशनल एसपी मृगाणी डेका ने बताया कि छात्रा के अपहरण के मामले में परिजनों ने एक अन्य किशोर पर अपहरण का संदेह जताया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की विवेचना में जुटी हुई है और नाबालिग बच्चे की तलाश की जा रही है। हमारे को एक रिपोर्ट आई है कि एक नाबालिग लड़की मिसिंग है, और क्योंकि एक नाबालिग लड़की मिसिंग होती है तो हम इमीडिएटली उसमें 363 IPC धारा में कायमी करते हैं, और उनके परिवारजन ने एक 15 साल के लड़के के ऊपर शक किया है कि उसने उसको अपहरण करके लेके गए हैं, तो हम उसमें उसको रिकवर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। क्या लड़की छात्रा है? हाँ, क्योंकि वो नाबालिग है, हम मान के चल रहे थे। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का तो अभी है मतलब, लेकिन हम एक बार उसका कंफर्म कर लेते हैं आइडेंटिटी कहाँ से है, क्योंकि घर वाले को भी इतना पता नहीं था उस लड़के के बारे में।